निश्चित ही अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है ग्रुप। तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4 कराई थी और वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन उसके घर से करने के लिए बोले थे। तो सो आई होप आप सभी के हो गए होंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कमेंट नहीं आया है कि मैम इसमें प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। टॉपिक का नेम है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। इसी चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद भी इसके ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5th। एंड देन आपका जो चैप्टर है ग्रुप ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके टोटल 3 to 4 लेक्चर्स होंगे। इसमें आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो हम क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। 2016 में भी पूछी जा चुकी है ये, 2017 में भी, तो चाहे तो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है। क्या है, सपोज जी इज अ ग्रुप, माना जी क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, एंड द कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिव, और जो कंपोजिशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया, कंपोजिशन बोल दे, घबराना नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा है कि यदि जी क्या है, कोई भी ग्रुप है, और कंपोजिशन क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिवली, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, देन उस कंडीशन में बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, इज मीन्ड, इसका मीनिंग क्या होगा, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, वहां पर क्या होगा, कोई भी एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा एन, इफ वन एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ई, तो उस कंडीशन में ए टू द पावर एन किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। अगर ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, ग्रुप का, ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, तो उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमने मान लिया कि एन है, एन क्या है यहाँ पे, कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर ए का ऑर्डर क्या है, एन है, तो ये किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लीकेशन की केस में ए टू द पावर एन इसको रिप्रेजेंट करोगे, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ई के इक्वल, जहां पर ई क्या होगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, जी का, ग्रुप का। यानी कि आप सभी को पता है मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जी क्या है, कोई भी ग्रुप आपको दे दिया, तो उसमें से अगर आप कोई भी एक एलिमेंट ए ऐड करते हो, तो जो एलिमेंट होगा ए, उसका जब आप ऑर्डर निकालोगे, ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, कब तक, जब तक कि नेक्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट है वो आपको कौन सा ना मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए, किसी भी एलिमेंट की तब तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए। तो जितनी बार भी आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे, जब तक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो वो जो नंबर्स रिपीट होंगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, किसका, उस नंबर का, ठीक है। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा ग्रुप। इसके बाद में है इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर वहां पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट ना करे, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हो ही ना जिसकी उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे क्या जाए, 1 आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं 2 है और आपको जो सेट दे दिया, मान लें इंटीजर्स का सेट है, कोई भी एक इंटीजर ले लो और उसकी आप उसी में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, तो कोई सा ऐसा नंबर हुआ कि जिसमें मल्टीप्लाई करने में 1 आ जाएगा। सपोज दैट हमने 2 ले लिया, अब 2 की अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 बार करोगे 6 आएगा, यानी कि अगर हम 2 का ऑर्डर कितना भी करते चले, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लें, 2 a की पावर n आपको फॉर्म शो अप कर रखी है, तो इस फॉर्म में अगर हम लिखे, सपोज दैट a क्या ले लिया, कोई भी एक एलिमेंट 2 ले लिया ग्रुप का, तो अगर हम इसका ऑर्डर 1 रखेंगे तो भी कितना आएगा, 2, अगर हम इसका ऑर्डर 2 रखेंगे कितना आएगा, 4, ऑर्डर 3 रखेंगे कितना आएगा, 6। क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि जो n है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता हो, पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट नहीं करता हो, किसी भी नंबर को रखने पे क्या ना आए, आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले, सो इन सच दैट a की पावर n इज इक्वल्स टू e, यानी कि इस कंडीशन में अगर n क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट ना कर रहा हो, सो देन वी से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं कि a इज ऑफ
होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर ए क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसी ग्रुप का, तो उसका वो ऑर्डर जिसमें क्या करे, फिर रिपीटेशन करने के बाद में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। रिप्रेजेंट करोगे ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ई की फॉर्म में। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट ना कर रहा, उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि उसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये आपका कोई भी नंबर आ जाए, सपोज दैट ए की पावर एन है, मान लिया हमने कहा वन, वन का ऑर्डर क्या होगा, वन होगा, तभी तो हमारा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन की वन में मल्टीप्लाई करोगे वन, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो यहाँ पे जो वन है ये क्या आ गया आपका, फाइनाइट ऑर्डर आ गया। तो इस कंडीशन में ये तो आपको पर्टिकुलर नंबर मिल जाएगा, बट अगर आपको इस टाइप से दे दिया कि अगर एन एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे कि इसका ऑर्डर क्या है, या तो इनफाइनाइट ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर है, ठीक है। Then we shall use the symbol of A to denote the order of A. अब किसी भी नंबर के ऑर्डर को डिनोट करने के लिए आप किस सिंबल का यूज करोगे, इस टाइप से लिखोगे O of A. A क्या है यहाँ पे, कोई भी एक ग्रुप का नंबर दे दिया इन्होंने, कोई भी एलिमेंट दे दिया ग्रुप का, तो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करोगे आप, O of A. अगर हमसे पूछा जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि वन का, अगर हम वन की वन में मल्टीप्लाई वन कर रहे हैं, वन की वन में मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा, तो ऑर्डर ऑफ ए वन, ऑर्डर ऑफ वन को रिप्रेजेंट करने के लिए किस पे यूज करेंगे हम, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है, ओ ओ और फिर ब्रैकेट का साइन एंड देन उसके अंदर वो एलिमेंट जिसका हम ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट है, इन एडिटिव नोटेशन वी यूज द वर्ड्स n इज इक्वल टू e इन प्लेस ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू e। लास्ट लाइन का मतलब क्या है, ये तो किसके लिए था, मल्टीप्लिकेशन के लिए था, कि अगर आपको कंपोजिशन क्या दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, बट अगर आपको कंपोजिशन क्या दे दिया जाए, एडिशन दे दिया जाए, तो उस केस में कैसे लिखोगे आप, उस केस में आप n a is equals to e लिखोगे, यानी कि n क्या होगा, ऑर्डर होगा किसका, जो भी एलिमेंट हैगा ग्रुप का, सपोज दैट a क्या है, कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, तो आप क्या करोगे, इसको कितनी बार इसमें जोड़ो कि आपका क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, किसका, a का, a का ऑर्डर हो जाएगा n, इसको रिप्रेजेंट करोगे एडिटिव नोटेशन में n is equals to e से, और मल्टीप्लिकेशन के लिए किससे रिप्रेजेंट करोगे, a to the power n is equals to e से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो आई होप कंप्लीट डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद में एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा एक्सरसाइज की, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस खास नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए एक या दो क्वेश्चन ही हम एक्सरसाइज का करेंगे, बाकी इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरम्स हैं और आपकी डेफिनेशन तो मैंने आपको एक करा ही दी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स अभी अच्छे से कर लेंगे आपको, थ्योरम्स भी अच्छे से करनी है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्पल्स से ही पूछे जाएंगे, ठीक है, और थ्योरम्स आने की पॉसिबिलिटीज में ज्यादा रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस। आपको एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दे दिया, वन माइनस वन आई एंड माइनस आई। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मीनिंग है यहाँ पे कंपोजिशन कौन सी यूज की गई है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर फाइंड करना है किसका, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मैं आपसे पूछू कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, तो आप क्या अपना बोलोगे, मैम वन होता है। आप सभी को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है, एंड एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, जीरो होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वन होता है, तो आप सभी को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो भी कितना होता है, वन ही होता है। सो सिंस वन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिंस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ वन, अगर हम ऑर्डर ऑफ वन की बात करें तो वो भी कितना आएगा, वन ही आएगा, यानी कि वन का स्क्वायर करोगे, सॉरी वन है तो वन की वन में मल्टीप्लाई करोगे, वन ही तो आएगा, सो ऑर्डर ऑफ वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि वन क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो नाउ इसके बाद में जब आप सेकंड वाला देखोगे, सेकंड एलिमेंट कितना है, माइनस वन, माइनस वन का भी ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। सो माइनस वन की पावर अगर हम वन करें, तो माइनस वन की पावर वन का मीनिंग कितना होता है, माइनस वन होता है। अगर हम माइनस वन का स्क्वायर करें, यानी कि माइनस वन की मल्टीप्लाई
क्या है, यानी कि i की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे आप सभी को पता है कि i स्क्वायर क्या होता है 1, तो i क्या है में करोगे i क्या है में करोगे i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1, -1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए i की पावर 4 किसके इक्वल आ गई यहां से 1 के इक्वल आ गया, और 1 क्या है यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो ऑर्डर किसका i का, ऑर्डर ऑफ i इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भी बताया था डेफिनेशन में, सो ऑर्डर ऑफ i कितना आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट किस कंडीशन में आ रहा है जब हमने i की क्या की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई की, सो ऑर्डर ऑफ i कितना आ जाएगा यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चलें लास्ट एलिमेंट कितना है -i, अब -i की पावर 1 करोगे तो कितना मिलेगा -i मिलेगा, -i की पावर 2 करोगे तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा -i का स्क्वायर। यहां से ध्यान करना आप लोग एक चीज में मिस्टेक कर दोगे, क्या अगर मैं आपसे कहूं कि -i का स्क्वायर और एक हम बोले -i स्क्वायर, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है जी यहां पे जब आप i स्क्वायर करोगे i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या आएगा टर्म +1 आएगी, बट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे देखना माइनस का भी तो स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और जब आप i का स्क्वायर करोगे तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो इस कंडीशन में हमें आंसर कितना मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें टर्म कौन सी नीचे वाली दे रखी है -i स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और i का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, ठीक है। कहां तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिल जाए, तो -i की फिर क्या करोगे आप क्यूब करोगे यानी कि इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, अब देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की तो -i आया, फिर सॉरी -1 आया, -1 में फिर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी -i की, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आई आ जाएगा, उसके बाद में ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो क्या करोगे -i की पावर 4 करोगे। अब यहां से देखिए -i की पावर 4 का मीनिंग यही तो है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, -1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा +k1, तो -i की पावर 4 किसके इक्वल आ गया 1 के, और ये भी कैसा है हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हमें क्या मिल रहा है -i की पावर 4 के करते हुए सॉल्व करके क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, सो ऑर्डर ऑफ -i कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ -i कितना आ जाएगा 4, तो यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था कि जो आपको ग्रुप दे रखा है ग्रुप के अंदर जो चार एलिमेंट्स हैं उन चारों एलिमेंट्स का क्या करना है आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 2 3 4 5 द कंपोजिशन बीइंग एडिशन मॉडुलो 6, यानी कि आपको क्या करना है ऑर्डर फाइंड आउट करना है किसका, ये जो आपको ग्रुप दे रखा है इसके कुछ एलिमेंट्स का। ध्यान रखना यहाँ पे आपको अगर एवरी कहे, एवरी का मीनिंग क्या है इसके हर एक एलिमेंट का आपको ऑर्डर निकालना है, सम एलिमेंट्स कह रहा है तो आपकी इच्छा है आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, एक दो एलिमेंट्स को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स का क्या निकालना है ऑर्डर फाइंड आउट करना है, कंपोजिशन आपको क्या दिया हुआ है एडिशन मॉडुलो 6 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या था मल्टीप्लीकेशन था, किसी में आपको ओनली एडिशन भी बोल सकते हैं, इसमें क्या दी थी एडिशन मॉडुलो 6। अब आप सभी को मैंने कराए हुए क्वेश्चन के एडिशन मॉडुलो 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, सपोज दैट कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए 2 और 3, इनके बीच में हमें कंपोजिशन क्या दे दिया एडिशन मॉडुलो 6, तो सॉल्व कैसे करेंगे 2 में 3 को ऐड करोगे, उसके बाद में अगर जो नंबर आए वो अगर 6 से छोटा है तो आपका वही आंसर आ जाएगा सिर्फ 2 और 3 5, बट अगर यहां पे क्या हो जाता 4 हो जाता तो 2 में 4 को ऐड कर दे कितना आता 6, और 6 क्या आ रहा है 6 के इक्वल आ रहा है, तो 6 से क्या करोगे आप 6 को डिवाइड करोगे देन जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आएगा, तो 6 से 6 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आया 0, सपोज इट यहां पे 5 होता तो 5 और 2 कितना हो जाता 7, 7 कैसा है 6 से बड़ा है तो 6 से 7 को डिवाइड करते रिमाइंडर कितना बचता 1, तो आंसर कितना आता 1 आता। तो एडिशन मॉडुलो सिखाया हुआ है मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी पहले कराया हुआ है, तो उसमें
एडिशन की बात करें और मैं एडिशन में आपसे पूछूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, तो कितना होता है? जीरो होता है। जीरो हमारे ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो ऑर्डर ऑफ जीरो किसका? ऑर्डर ऑफ जीरो, जीरो का ऑर्डर कितना होगा हमारे पास में? वन होगा। सो ऑर्डर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू वन आया, क्यों आया? क्योंकि हमें पता है जीरो में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। सॉरी, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। सो नाउ इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट कितना है? वन है। तो अब यहाँ पे देखना, अगर हम वन की पावर वन करें, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये वाली टर्म यूज करते हैं और एडिशन के लिए किसका यूज करते हैं? एन ए इज इक्वल टू ई का। तो एन जो ऑर्डर होगा वो आपका स्टार्टिंग में आएगा। तो अगर हम वन ऑफ वन की बात करें, यानी कि ऑर्डर ऑफ वन की बात करें, तो अगर हम वन लेंगे तो इस कंडीशन में कितना आएगा? वन ही आएगा, ठीक है। अगर हम टू की बात करें, यानी कि अगर हम क्या ले लें? वन का स्क्वायर, यानी कि टू ऑफ वन ले, तो इसको एडिशन मॉडुलो में किस कंडीशन में लिखोगे आप? किस तरीके से लिखोगे? वन और वन, दो तो वन ले लिए और इनके बीच में एडिशन मॉडुलो सिक्स अप्लाई करोगे। ध्यान से समझना, अगर हम इसका ऑर्डर वन ले रहे हैं तो इसका मतलब वन में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में अगर अकेला वन रहेगा, वन का ऑर्डर वन रहेगा, तो आपको वन ही मिलेगा। अगर आप क्या करोगे, वन तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करोगे। अगर क्या करोगे, वन में आप वन ऐड करते हो, यानी कि टू टाइम्स आप वन ऐड करते हो, तो वन में वन को ऐड करने के लिए बीच में कंपोजिशन का यूज करोगे। कंपोजिशन क्या दिया हुआ है आपको? एडिशन मॉडुलो सिक्स, तो वो अप्लाई करोगे। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, वन में वन ऐड करोगे कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। टू जो है वो आपका सिक्स से कैसा है? छोटा है। टू सिक्स से छोटा है तो टू ही आ जाएगा, ठीक है। बोर नहीं होना, आराम से इसलिए बता रही ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अभी भी आपका क्या नहीं आया? आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। आइडेंटिटी एलिमेंट है कितना? जीरो, ठीक है। इसके बाद में देखिए इससे आगे करेंगे, यानी कि अगर हम ऑर्डर इसका थ्री लें, थ्री ऑर्डर लें, तो आपको कितना मिलेगा? वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स, वन, फिर एडिशन मॉडुलो सिक्स और फिर वन। अब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स एंड वन में वन ऐड करोगे कितना आ जाएगा? टू। अब इन दोनों को ऐड करो, टू एंड वन कितना हो जाएगा? थ्री। और थ्री को जब आप थ्री कहता है, सिक्स से छोटा है, तो आंसर कितना आएगा? थ्री ही आएगा। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप इसका ऑर्डर लेते हो फोर, फोर ऑर्डर लोगे तो कैसे ऐड करोगे? वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स, वन, फिर एडिशन मॉडुलो सिक्स, फिर वन, फिर एडिशन मॉडुलो सिक्स एंड फिर वन। तो वन में वन ऐड करोगे टू, टू में वन ऐड करोगे थ्री एंड थ्री में वन ऐड करोगे कितना आ जाएगा? फोर। और फोर आपका सिक्स से छोटा है, इसलिए आंसर कितना आएगा? फोर आएगा। अभी भी जीरो नहीं आया। उसके बाद में क्या करोगे आप? अगर इसका ऑर्डर फाइव लोगे, ऑर्डर कितना लोगे? फाइव लोगे, तो इस कंडीशन में आप इसको सॉल्व करोगे तो वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स, वन, एडिशन मॉडुलो सिक्स, फिर वन, फिर मॉडुलो सिक्स, फिर वन। तो यानी कि वन, टू, थ्री एंड फोर, और ये आ जाएगा आपका ये फाइव। फाइव टाइम्स हमने ऐड कर लिया। तो यहां से देखना कितना आएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव कैसे सिक्स से छोटा है, तो टर्म कितनी आ जाएगी? फाइव भी आ जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम वन का ऑर्डर कितना लेंगे? सिक्स लेंगे, तो सिक्स टाइम वन को क्या करना है? ऐड करना है, वन, टू, और ये हो गया आपका थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। बीच में साइन किसका लगाओगे आप? एडिशन मॉडुलो का। अब यहाँ पे देखना, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स है, और सिक्स को क्या करोगे आप? सिक्स से ही डिवाइड करोगे। सिक्स को सिक्स से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो। अब भाई जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास कर रखी होगी उन्हें तो इसमें कोई भी डाउट आने वाला नहीं, उन्हें तो पता चल गया कि मैंने यहाँ पे कैसे किया। बट जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनको इसमें डाउट हो रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बार आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख लेना, ठीक है। इससे पहला लेक्चर तो क्या किया हमने, जैसे वन में वन को ऐड करोगे टू, टू सिक्स से छोटा है तो टू ही रहा, टू में फिर वन को ऐड किया थ्री, थ्री भी सिक्स से छोटा है, उसके बाद में वन ऐड किया फोर, फोर भी सिक्स से छोटा है, वन और ऐड किया फाइव, फाइव भी सिक्स से छोटा है, और वन और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? सिक्स। और सिक्स सिक्स के इक्वल है, तो जब भी टर्म इक्वल आ जाए या फिर बड़ी आ जाए, तो उस कंडीशन में जो मॉडुलो होता है उस
उससे क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 0 क्या आ जाएगा हमारे इससे सॉल्व करके आ जाएगा। और 0 क्या है हमारे इस क्वेश्चन के लिए, आप सभी को पता है क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो अगर हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ किसका, 1 का ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 6 आ जाएगा। समझ में आई ये बात, कैसे आया ऑर्डर ऑफ 1, 1 का ही तो ऑर्डर निकाल लेते हैं हम। तो 1 टाइम में मिला, 2 टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में, 5 टाइम में, कितना, 6 टाइम। जब हमने 1 को 6 टाइम ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैंने बताया हुआ था Na is equals to E, एडिटिव नोटेशन में आप इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये किसकी वैल्यू है, N की। N क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया आपके पास में, 6 आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। सेम ऐसे आप 2 के लिए करोगे, अगेन जब आप 2 के लिए सॉल्व करोगे, अगर आप 2 के लिए सॉल्व करोगे 1 लोगे तो आपके पास में टर्म कितनी आएगी, 2 ही आएगी। अगर आप क्या लोगे, 2 के लिए ऑर्डर कितना लोगे, 2 लोगे, यानी कि 2 को आप 2 टाइम्स ऐड करोगे। ऐड कैसे करोगे, एडिशन मॉडुलो का यूज करके। 2 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 4। 4 6 से छोटा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। इसके बाद में अगर आप ऑर्डर लोगे 3, यानी कि इसको 3 टाइम्स आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखना 2 और 2 4, 4 तो 6 से छोटा है, 4 में 2 ऐड किया 6, तो 6 और 6 इक्वल है, 6 से 6 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का ऑर्डर अगर हम 3 लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है हमारा इसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये पता चलेगा आपको कंपोजिशन से, कंपोजिशन आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखा है या फिर एडिशन दे रखा है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ 2, सो ऑर्डर किसका, 2 का ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे आप 3 का भी निकाल सकते हो, 4 का भी निकाल सकते हो और 5 का भी निकाल सकते हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल कराया है। इसमें आपको कंपोजिशन क्या दे रखा है, एडिशन मॉडुलो 5 दे रखा है, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। आंसर आएगा जब आप 0 का ऑर्डर निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका, 1, क्योंकि 0 क्या होता है, एडिशन के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो इसका तो ऑर्डर 1 आ जाएगा। बाकी के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। सो बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिल